के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लाए तो महाराज घर के आदेश का पालन करो और उन दोनों भाइयों का वध कर दो। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही उन्हें मृत्यु दंड देकर उस सुंदर स्त्री को उठाकर महाराज घर के चरणों में लाकर रख दूंगा। शूर्पणखा प्रतिशोध की भावना से राक्षसों की सेना लेकर आई है। तुम सीता की सुरक्षा के लिए ही रुको, मैं इनका विनाश करता हूं। जो आज्ञा दी। वो देखो, वो है राम और वो वहां है लक्ष्मण और उसके पीछे वो सीता। शूर्पणखा, क्या इसके साथ युद्ध करना है हमें? हाँ, किसी का ही वध करना है तुम्हें। परंतु शूर्पणखा, ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। तुम लोग यहाँ राम से युद्ध करने आए हो या उसकी प्रशंसा? इन सुकुमार के साथ क्या युद्ध करना? इसे तुम्हारी नाक काटी थी, हम इसकी नाक काट देते हैं। अर्थात हम इसकी पत्नी को उठा लेते हैं और दोनों भाइयों को यहीं छोड़ देते हैं। राम की नाक भी कट जाएगी। क्यों राम, प्राण या पत्नी? मेरी पत्नी मेरे प्राण है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय शत्रुओं से नहीं डरते, काल से भी भिड़ जाते हैं, परंतु हम निर्दयी नहीं होते, इसीलिए जीवित रहने का एक अवसर प्रदान करना चाहता हूं। युद्ध करने के लिए तुम में बल नहीं है तो लौट जाओ, यदि तुम लौट जाओगे तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। तुम लोग इसकी बातों में ना आओ, आक्रमण करो, पहले इस राम का विनाश करो, फिर उस लक्ष्मण का, और सीता को लेकर चलो यहां से। हाँ।
क्या कह रही हो तुम? सभी का विनाश हो गया। महाराज, वह राम हमें चुनौती दे रहा है। जब से वो दंडकारण्य में आया है तब से हमें चुनौती पर चुनौती दे रहा है। दंडकारण्य को राक्षसों से रहित करने की प्रतिज्ञा ली है उसने। प्रतिज्ञा? आज्ञा महाराज। हमें इस राम की प्रतिज्ञा का अंत करना ही होगा। जाओ, 14,000 सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दो। हम स्वयं युद्ध करेंगे और अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध राम लक्ष्मण का वध करके लेंगे। जाओ। लक्ष्मण, लगता है राक्षसों की बड़ी सेना आ रही है। अपनी बहन की नाक कटने से अपमानित होकर खर और दूसर भी आ सकते हैं भैया। रघुनाथ, चिंता ना करो सीते, लक्ष्मण तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। आप राक्षसों से अकेले युद्ध करने जाएंगे? भैया, मैं भी इन राक्षसों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। नहीं लक्ष्मण, हम दोनों युद्ध करने जाएंगे तो शूर्पणखा जानकी को अकेली देखकर आक्रमण करेगी, इसलिए तुम्हें यहां रुकना होगा। मैं जाकर इनको रास्ते में ही रोकता हूं। परंतु भैया, लक्ष्मण तुम्हारा यहां रुकना परम आवश्यक है। जो आज्ञा भैया। जय श्री राम। खरदूषण लेकर आए हैं सेना अपने संग अपार। खरदूषण लेकर आए हैं सेना अपने संग अपार। छली बली और मायाधारी सबके हाथों में हथियार। छली बली और मायाधारी सबके हाथों में हथियार। खरदूषण के इंगित पर सब राम से भिड़ने को तैयार। राम तो धरती पर आए हैं असुरों का करने संहार। राम तो धरती पर आए हैं असुरों का करने संहार। राम हाथ में धनुष उठाकर करते हैं कुछ मंत्रोच्चार। अस्त्राधिपति प्रसीद।
बाण गगन में गया, गगन से हो रही किरणों की बौछार। बाण गगन में गया, गगन से हो रही किरणों की बौछार। किरणों की बौछार न देखो सब पर दई मोहिनी डार। राक्षस दल को अचरज भारी देख के राम हजार हजार। अस्त्र मोहिनी प्रबल प्रभावी उसने कर दिया ऐसा काम। अस्त्र मोहिनी प्रबल प्रभावी उसने कर दिया ऐसा काम। रण प्रांगण में समझ रहे हैं सारे एक दूजे को राम। रण प्रांगण में समझ रहे हैं सारे एक दूजे को राम। असली राम कछोड़ के पीछा लेके खरदूषण का नाम। लगे परस्पर लड़कर मरने आपस में करके संग्राम। क्या हो रहा है भ्राता खर? हमारे सैनिक तो आपस में लड़कर मर रहे हैं। इस राम ने उन्हें मोहिनी अस्त्र से भ्रमित किया है भ्राता खर। अब भी अवसर है, रणभूमि छोड़कर जा सकते हो तुम लोग। खट 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 खांडा बाजे चम चम चमक रही तलवार। खट 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 खांडा बाजे चम चम चमक रही तलवार। सब मत वाले होकर जूझे सब पर युद्ध का भूत सवार। सब मत वाले होकर जूझे सब पर युद्ध का भूत सवार। जितने असुर राम भी उतने एक दूजे पे करे प्रहार। दूर खड़े मुस्काए भगवान राम की माया अपरंपार। राम की माया मेरी सेना का, मेरे भाई का विनाश किया है और अब तुम्हारा विनाश होगा। तुम्हारा वध करके मैं दंडकारण्य में चल रहा धर्म अनीति और अन्याय का पर्व हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। ऋषि मुनियों की हत्या करके जो तुमने पाप किए हैं उन सभी पापों का दंड तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारा वध होते ही इस दंडकारण्य में ऋषि मुनि निश्चित होकर यज्ञ और तपस्या करेंगे। तुम इतने स्वार्थी हो कि अपने भाई और साथियों का हित किसमें है वो भी नहीं जान सके। तुम्हारे कारण वो सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सभी के विनाश की जड़ तुम हो और अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। Thank you.
श्री राम। भव्य रमणीय अवलोकनीय लंका यह हाट बाट सोने के ही घर हैं, सोने के महल बने सोने की अटारियां हैं, सोने की अटारियों पे सोने के शिखर हैं, स्वर्णिम शिखरों पे सोने की ध्वजाएं सजी, सोने की ध्वजाओं पर स्वर्णाक्षर हैं, स्वर्णाक्षरों में सुनहरी गाथा रावण की, रावण जो तेजोमय स्वर्ण से प्रखर हैं। जय परम प्रतापी रावण, जय प्रबल प्रभावी रावण, त्रिजग जय दिग्विजय शत्रु जय काल जय, ओ त्रिजग जय दिग्विजय शत्रु जय काल जय, जय परम प्रतापी रावण, जय प्रबल। लंकापति की जय हो, पृथ्वीपति की जय हो, ग्रह इनके अधीन है सारे, महाराजा दरबार पधारे, महाराजा परम प्रतापी महाराजा की जय, लंकापति रावण राजा की जय, पृथ्वीपति रावण राजा की जय, त्रिजग जय रावण की जय, दिग्विजय रावण की जय, काल जय रावण की जय, ज्ञानवान की विद्यमान की शक्तिमान रावण राजा की जय। दुहाई है, दुहाई है महाराज लंकेश्वर की, दुहाई।
क्या हुआ सूर्पनखा? मुझ पर अत्याचार हुआ है महाराज। देखिए आपकी बहन की क्या दशा की है।